अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के इन वीडियोस के माध्यम से हम एडीआर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, और ये वीडियो एडीआर के ऊपर फोर्थ वीडियो है। अपने अब तक के वीडियोस में हमने अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बेसिक मीनिंग को समझा, हमने ये जाना कि क्यों आज के जुडिशियल सिस्टम में हमें एक एडिशनल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जहां हम अपने डिस्प्यूट्स को आसानी से विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम रिजॉल्व करा सकें। हमने बेसिकली एडीआर को लाने के पीछे का पर्पस क्या है उसे समझा। हमने ये जाना कि एडीआर में बेसिकली 5 मोड्स हैं जिनका यूज़ करके आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा सकते हो, एंड दीज 5 मोड्स ऑफ एडीआर आर आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, लोक अदालत और नेगोशिएशन। तो ये क्या हैं, 5 मोड्स हैं एडीआर के जिनके तहत या जिनका यूज़ करके आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करा सकते हो, सेटल करा सकते हो आउटसाइड द कोर्ट। हमने आर्बिट्रेशन के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा, कंसिलिएशन से डील किया। आज के इस वीडियो में हम लोक अदालत के कंप्लीट कॉन्सेप्ट से डील करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो लोक अदालत का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और आपके पास अपना एक अच्छा नोट्स भी तैयार हो जाएगा जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन करने में। चलिए, लोक अदालत, देखो जब हमने वेरियस मोड्स ऑफ एडीआर को पढ़ा तो हमने जाना कि एडीआर में बेसिकली 5 मोड्स हैं। पहला आर्बिट्रेशन, दूसरा कंसिलिएशन, तीसरा लोक अदालत, मेडिएशन एंड लास्ट वन इज नेगोशिएशन। हमने आर्बिट्रेशन मोड ऑफ एडीआर को पढ़ लिया है, कंसिलिएशन मोड ऑफ एडीआर को पढ़ लिया है, आज हम लोक अदालत से डील करेंगे, राइट? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लोक अदालत इज अ मोड ऑफ एडीआर? यस, लोक अदालत क्या है, एडीआर का एक मोड है। देखो ये जो वर्ड है लोक, लोक वर्ड जो है वो एक हिंदी का शब्द है और लोक का मतलब होता है लोग, पीपल, और अदालत मीन्स आप सभी जानते हो कोर्ट। तो लोक अदालत को हम शॉर्ट में कह सकते हैं इट इज पीपल्स कोर्ट, इट इज पीपल्स कोर्ट, राइट? जो लोक अदालत है वो गांधीयन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लोक अदालत का कॉन्सेप्ट गांधी जी के सिद्धांतों पर बेस्ड है और इंडियन जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जो भारी बर्डन ऑफ केसेस है, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, उसे देखते हुए किस तरह से इंडियन जुडिशियल सिस्टम के वर्कलोड को मिनिमाइज किया जा सके उसे ध्यान में रखते हुए लोक अदालत के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया विथ अ व्यू टू मिनिमाइज द वर्कलोड ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम, राइट? लोक अदालत को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिलता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987।
राइट तो ये जो लोक अदालत है ये आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 में नहीं है, इसे स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन जिस पर्टिकुलर एक्ट से मिलता है उस एक्ट का नाम है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, राइट। अब देखो लोक अदालत जिन केसेस से डील करता है वो केसेस हैं सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, एनआई एक्ट से जुड़े केसेस जैसे डिसऑनरिंग ऑफ चेक और जो भी पेटी ऑफेंसेस होते हैं, छोटे अपराध होते हैं, नॉट क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस को छोड़ करके ये सभी जो केसेस होते हैं सिविल केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, एनआई एक्ट केसेस, पेटी ऑफेंसेस, दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लोक अदालत। लोक अदालत इन मैटर्स के ऊपर डील करता है, राइट। तो आइए लोक अदालत के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझते हैं। देखो जब कभी भी एग्जाम में लोक अदालत पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन हेडिंग डालना है और इसमें लिखना है द कॉन्सेप्ट ऑफ लोक अदालत, या जिसे हम पीपल्स कोर्ट भी कहते हैं, जो गांधीवादी सिद्धांतों पर बेस्ड है, इज एन इनोवेटिव इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये जो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है इसका जो ओरिजिन है वो प्योरली कहाँ से है, इंडिया से है, इट इज ओरिजिनेटेड प्योरली फ्रॉम इंडिया। द इंट्रोडक्शन ऑफ लोक अदालत प्रोवाइडेड अ न्यू सिस्टम एंड सप्लीमेंट्री फोरम टू विक्टिम्स फॉर सेटिस्फैक्टरली सेटलमेंट ऑफ देयर डिस्प्यूट्स एंड एग्जम्प्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ह्यूज लिटिगेशन एक्सपेंसेस। तो लोक अदालत ने पीपल्स को हेल्प किया कि वो अपने आप को ह्यूज लिटिगेशन एक्सपेंसेस से बचा सकते हैं बिना कोर्ट में जाए, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाते हैं और किसी लर्नेड काउंसिल को, किसी एडवोकेट को हायर करते हैं तो वो लीगल फीस लेगा, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, उनका टाइम भी जाएगा। तो लोक अदालत ने लोगों को इस झमेले से बचा लिया, राइट। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एडीआर। इन एंशियंट टाइम्स डिस्प्यूट्स वर रेफर्ड टू पंचायत्स। अब देखो पुराने समय में लोग जो थे वो अपने डिस्प्यूट्स को पंचायत में लेकर के जाते थे, अभी भी गांव में जो छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं वो पंचायत के थ्रू रिजॉल्व कराए जाते हैं, दोनों पार्टीज आती हैं, पंचायत बैठता है और उनके बीच सुलह कराया जाता है, राइट। पंचायत्स यूज्ड टू सॉल्व डिस्प्यूट्स एट विलेज लेवल थ्रू आर्बिट्रेशन। पंचायत का जो फैसला होता है वो लोगों के ऊपर मान्य होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पुराने समय में या अभी भी गांव में जो लोग हैं उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो पंचायत के पास जाते हैं, गांव का पंचायत बैठता है और आर्बिट्रेशन मोड ऑफ एडीआर का यूज़ करके सरपंच लोग क्या करते हैं, फैसला देते हैं और ये जो डिसीजन होता है वो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है। हालांकि पार्टी चाहे तो उनके डिसीजन को मान सकती है या नहीं मान सकती है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो लोक अदालत का कनेक्शन है वो पंचायत से है, इसका जो ओरिजिन है वो पंचायत से है, राइट। द लिटरल मीनिंग ऑफ लोक अदालत इज पीपल्स कोर्ट।
लोक अदालत इज एन अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम नॉट ओनली टू मिनिमाइज एक्सपेंसेस ऑफ लिटिगेशन बट इट ऑल्सो सेव्स वैल्यूएबल टाइम ऑफ पार्टीज एंड देयर विटनेसेस एंड फैसिलिटेट सेटलमेंट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्टीज राइट. तो ये है लोक अदालत. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोक अदालत. तो अगर हम अब तक के डिस्कशन को समअप करें तो हम ये कह सकते हैं लोक अदालत इज अ कॉन्सेप्ट वेयर द डिस्प्यूटेड पार्टीज कैन ऑब्टेन जस्टिस विदाउट गोइंग टू द कोर्ट. इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल ऑल्सो नोन एज पीपल्स कोर्ट इन शॉर्ट राइट. और लोक अदालत को स्टैचुटरी रिकॉग्निशन मिलता है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 से. अच्छा, लोक अदालत जिस पर्टिकुलर आर्टिकल पर बेस्ड है वो है आर्टिकल 39A. आर्टिकल 36 से 51 तक के जो प्रोविजंस हैं वो डील करते हैं, हम जानते हैं, डीपीएसपी से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि ज़रूरी है किसी भी वेलफेयर स्टेट के लिए. इसी में हमारा एक आर्टिकल है आर्टिकल 39A, जो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है. तो हमारा जो लोक अदालत है वो आर्टिकल 39A के ऊपर बेस्ड है और ये इंश्योर करता है कि जो विधिक सहायता है, जो लीगल एड है, वो डेमोक्रेसी के एंड में जो व्यक्ति खड़ा है उसे भी नसीब हो. तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है लोक अदालत का वो बेस्ड है आर्टिकल 39A पर. अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मनुबाई के केस में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मनुबाई के केस में कहा कि राइट टू फ्री लीगल एड एंड स्पीडी जस्टिस आर गारंटीड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट फ्री लीगल एड इज अवेलेबल टू द नीडी पीपल State should take measures to organize legal camps and legal literacy programs throughout the country. ठीक. तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मनुबाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आर्टिकल 39A है जिसमें हम इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात कर रहे हैं, ये आर्टिकल 21 के स्कोप में आता है, आर्टिकल 21 के परव्यू में आता है. आर्टिकल 21 का स्कोप क्या है? इट इज वेरी मच वाइडर और समय समय पर एपेक्स कोर्ट इस पर्टिकुलर आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन करता रहता है. तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड
पर्सनल लिबर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फ्री लीगल एड है ये लोगों के पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी से कनेक्टेड है और ये आर्टिकल 21 के तहत आता है, इसलिए ये स्टेट्स का ड्यूटी है कि वो क्या करें, फ्री लीगल एड को इंश्योर करने के लिए समय समय पर प्रोग्राम्स चलाएं, जैसे कि लीगल कैंप्स, लीगल हेल्प कैंप्स ऑर्गेनाइज कराएं, लीगल लिटरेसी प्रोग्राम्स चलाएं ताकि लोगों को उनके अधिकारों के बारे में पता लग सके, लोग जान सके कि लॉ क्या है, उनका राइट क्या है, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या है, राइट। तो ये था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मनुबाई। नाउ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत। देखो लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, लोक अदालत बेसिकली क्या है, जुडिशियल बॉडीज हैं विच आर सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन पार्टीज। तो समय समय पर लोक अदालत का कैंप लगता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में, और जो पर्पस है लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराने का वो यही है कि जो दो पार्टीज हैं जिनके बीच डिस्प्यूट है आसानी से उनके डिस्प्यूट को शांतिपूर्वक रिजॉल्व करा दिया जाए और कोर्ट के वर्कलोड को रिड्यूस किया जाए। लोक अदालत्स हैव पावर्स ऑफ एन ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स सच एज समनिंग, एग्जामिनिंग, टेकिंग एविडेंस एक्सेट्रा। और ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स के जैसे ही लोक अदालत के पास भी क्या है, जुडिशियल पावर है, पार्टीज को समन करने का पावर, पार्टीज को एग्जामिन करने का पावर और एविडेंसेस लेने का पावर। टू सम एक्सटेंट हम ये कह सकते हैं कि लोक अदालत हैव स्टेटस ऑफ ऑर्डिनरी सिविल कोर्ट्स बिकॉज लोक अदालत हैव पावर टू समन द पार्टीज, टू समन द विटनेसेस, टू एग्जामिन द विटनेसेस एंड टू टेक एविडेंसेस, राइट। लोक अदालत कैन रिजॉल्व ऑलमोस्ट एवरी मैटर्स एक्सेप्ट क्रिमिनल मैटर्स। तो लोक अदालत लगभग लगभग सभी पेटी ऑफेंसेस से डील करता है क्रिमिनल मैटर्स को छोड़ करके। जब आप आगे प्रैक्टिस में जाओगे तो जो कोर्ट का प्रिमाइस होता है जगह जगह पोस्टर्स लग जाते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट पर इतने से इतने टाइम के बीच इस जगह पर लोक अदालत लग रहा है, और ये विद इन द प्रिमाइसिस ऑफ कोर्ट ही होता है, कोर्ट के परिसर में ही लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराया जाता है, ठीक है। जब लोगों को जानकारी होती है तो लोक अदालत में अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराते हैं, राइट। सेक्शन 19 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 प्रोवाइड्स दैट। सेक्शन 19 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 लोक अदालत के बारे में बात करता है। सेक्शन 19 ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 स्टेट्स दैट, क्या कहता है, इट स्टेट्स एवरी सेंट्रल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज
सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुका। आगे कहता है शैल ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम लोक अदालत एट डिफरेंट प्लेसेस, शैल ऑर्गेनाइज लोक अदालत एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम एंड प्लेसेस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 का सेक्शन 19 बेसिकली यही बताता है कि लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कराने का जो ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की है और तालुका की है। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत। अब हम बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत के बारे में। तो जब पहली बार लोक अदालत के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, इसे स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया, तो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के सेक्शन 19 में इसका प्रावधान किया गया। और इससे जब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उन्हें तुरंत जस्टिस मिले, तो जब पब्लिक से ह्यूज डिमांड आने लगा और लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो पार्लियामेंट ने लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 को अमेंड किया 1994 में। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोक अदालत नो लॉन्गर रिमेन्ड अ वॉलंटरी इंस्टीट्यूशन बट बिकेम स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहां पर सेंट्रल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तालुका के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब, किस समय, किस प्लेस पर लोक अदालत ऑर्गेनाइज कराएंगे। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में जब अमेंडमेंट किया गया 1994 में, तो इसे एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला और इसे एक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन बना दिया गया लोक अदालत को, और इन सभी को बाउंड कर दिया गया कि अब वो क्या करेंगे, लोक अदालत को टाइमली कंडक्ट कराएंगे, टाइमली ऑर्गेनाइज कराएंगे। लोक अदालत डील्स विथ वैरायटी ऑफ केसेस लाइक मोटर एक्सीडेंट्स, इंश्योरेंस क्लेम्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, पेंशंस, मेंटेनेंस, और मेनली लोक अदालत के माध्यम से इन डिस्प्यूट्स में जो पार्टीज होती हैं उनके बीच म्यूचुअल सेटलमेंट कराया जाता है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लोक अदालत बहुत हद तक कोर्ट है और इसके जो प्रोसीडिंग्स हैं वो
जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की तरह ही हैं, क्योंकि लोक अदालत के पास पावर है कि वो पार्टीज़ को समन कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है और विटनेसेस को बुला सकता है विद इन मीनिंग ऑफ लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, राइट? ओके, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लोक अदालत? लोक अदालत का क्या बेनिफिट्स है? इन शॉर्ट अगर हम कहें तो पहला, सेविंग ऑफ टाइम, आपके समय को बचाता है। दूसरा, क्विक सॉल्यूशन, स्पीडी रिलीफ, जब आपको तुरंत आपके मैटर को रिजॉल्व कराया जाएगा तो यानी आपको स्पीडी रिलीफ मिलेगी। नो फीस इज टू बी पेड, इसमें फीस नहीं देना होता है। फ्लेक्सिबल प्रोसीजर है, आसानी से एक ऑर्डिनरी पर्सन को भी इसके प्रोसीजर के बारे में पता लग सकता है। और जो डिसीजन होता है वो मेनली म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज पर बेस्ड होता है, एक ऐसे डिसीजन पर लाने की कोशिश की जाती है जो दोनों पार्टीज के फेवर में हो। ठीक है, अब देखो लास्ट कॉन्सेप्ट, डिफरेंस बिटवीन लोक अदालत एंड कोर्ट्स। तो आई थिंक अगर लोक अदालत लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर ले जाओ। ठीक है, अगर ये वीडियो किसी भी मैनर में आपको हेल्प करती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपके बीच ऐसे ही वीडियोस फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ लेकर आऊँ। ठीक है, चलिए, तो व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लोक अदालत एंड कोर्ट? पहला डिफरेंस, क्या हम ये कह सकते हैं कि लोक अदालत इन एक्चुअल सेंस इज नॉट अ कोर्ट? ये कोर्ट नहीं है, लेकिन ये क्या है? इट इज एन एडिशनल प्लेटफॉर्म टू द कोर्ट, राइट? दूसरा, जो लोक अदालत है वो स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता है, जबकि कोर्ट क्या करता है? स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ रूल ऑफ लॉ को फॉलो करता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कोर्ट में एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिमाइस में होती हैं, और जो जगह होता है, जज साहब कहाँ बैठेंगे, लर्नेड काउंसिल कहाँ खड़े होंगे, विटनेसेस कहाँ आएंगे, लोग कहाँ बैठेंगे, तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्रिमाइस में होता है, लेकिन और एक फिक्स्ड प्लेस पर होता है। लेकिन लोक अदालत का जो कैंप है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर, डिफरेंट टाइम पर होता है, तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड नहीं है, जबकि कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है। कोर्ट में जज साहब जो डिसीजन देंगे वो बाइंडिंग होगा ऑन द पार्टीज, और जो भी डिसीजन होगा वो टोटली एविडेंसेस पर बेस्ड होगा। यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो दोनों पार्टीज के ऊपर म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज के बेसिस पर होता है। लोक अदालत कोई कोर्ट नहीं है, लेकिन ये सिविल कोर्ट की तरह एक्ट करता है।
तो दीज आर 5 to 6 पॉइंट्स विच यू कैन रेफर एज डिफरेंस बिटवीन लोक अदालत एंड कोर्ट. सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आज के इस वीडियो में हमने लोक अदालत के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझा. हमने उन सभी पॉइंट्स को कवर किया जिन पॉइंट्स को आपको जानना चाहिए अगर आप लोक अदालत पढ़ रहे हो तो. तो आई होप कि अगर लोक अदालत एग्ज़ाम में आता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर ले जाओगे. विथ दिस होप, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.